फिल्म बनाने का ख्याल, एक्चुअली मैं मुंबई आया था फिल्म बनाने के लिए, इसीलिए मैं फिल्म बना रहा हूँ। पहले मैंने खूब मेहनत की है प्रोडक्शन में रह के, अब मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन आपको खुद देखने में हीरो जैसे लगते हैं, तो आप इस फिल्म में खुद काम भी कर रहे हैं या सर? नहीं, अभी मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म में आ रहा हूँ। पहली फिल्म को ही आपने सब्जेक्ट पे आपने सुना है? हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी फिलहाल जो भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी वर्डिक्ट दिया है, उस पर से गे कम्युनिटी को हम लोग सपोर्ट करते हुए इस फिल्म को बना रहे हैं। कहानी के बारे में सिर्फ इतना बता पाऊंगा कि हम लोग सिर्फ गे कम्युनिटी को सपोर्ट करते हुए इस स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं, बस इसके आगे और कुछ नहीं बता पाऊंगा। राजेश जी हमारे जो डायरेक्टर है बहुत टैलेंटेड है, बहुत उनमें इच्छा है कि कुछ कर दिखाने की, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि वो इस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। कुछ और, अब ये जब आप फिल्म देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये कुछ और क्या है। क्यूरियोसिटी और बढ़ने दीजिए, क्योंकि अभी फिल्म रिलीज होने को काफी वक्त है। बस आप मई तक के वेट कीजिए। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, बड़ी खुशी का दिन आज मेरे लिए कि मेरे ये परम मित्र प्रिय दोस्त, मेरे बहुत से डायरेक्टर भी हैं, इनके साथ ऑलरेडी मैं फिल्में कर चुका हूँ, फिल्म कर चुका हूँ, सीरियल भी कर चुका हूँ, एंड आई नो हिम वेरी वेल एज ए पर्सन एज ए डायरेक्टर। एंड आज मुझे ये कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि इनकी एक नई फिल्म दिल मांगे कुछ और, ये आज इसका गाने के साथ मुहूर्त कर रहे हैं, तो मेरी सारी शुभकामनाएँ इनके साथ हैं। एज एन एक्टर तो मैं उनसे जुड़ा रहूँगा डेफिनेटली, तो लड़के मैं इनसे रोल ले लूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि इनकी एक अच्छी टीम बन जाए, और एक जो इनका प्रयास रहा है हमेशा ये अच्छा काम करने का, ये अच्छा काम करें, एक अच्छी फिल्म बनाए, इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लगा थोड़ा आगे चला गया, क्योंकि जमाना जो है 21वीं शताब्दी में पहुँच चुका है ना, 21st सेंचुरी में, तो अब दिल की जो डिमांड है ना थोड़ा हटके हो गई है, महंगाई भी बढ़ गई है, तो दिल ने अब थोड़े बहुत में समझौता करना छोड़ दिया है। अब वो चाहता है कुछ और चाहिए, अब वो और क्या है वो तो पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं तो बेस्ट विशेष दूंगा, और जितनी स्ट्रगल इसने की है बच्चे ने, और उसकी मेहनत रंग लाए, और बहुत बड़ा डॉक्टर बना, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बने, पैसे मैं पहले भी कहा करता था जब ये उनको मैं मेरे साथ शेड्यूलर था, और खोल कर करूँ तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें अफवाहों में घूम रही है कि ये कम्युनिटी ऐसी होती है ऐसी होती है, या उनके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैंने सारे कमेंट्स को दरकिनार करके मैंने सिर्फ यही कहा है कि प्यार करने का हक सभी को प्यार करने का हक है, और सभी के प्यार को सम्मान दिया जाना चाहिए। इस फिल्म के थ्रू हम गे कम्युनिटी के प्यार को एक नए मुकाम पे, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्लेस पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्लैप मार लो, हाँ क्लैप ले लो, क्लैप का नहीं यार, क्लैप किधर है, क्लैप किधर है, क्लैप कहाँ गया? आप रहिए, आप कहाँ जा रहे हो यार? अरुण जी इधर आइए, सोलो इरफान जी, सबसे पहले तो आप बताइए आज की फिल्म का कौन सा गीत गाने जा रहे हैं? जी मैं दिल मांगे कुछ और फिल्म के लिए एक बहुत ही प्यारा गाना के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर आज एम्पायर स्टूडियो में, और गाने के बोल है ऐ जिंदगी तू ही बता, और ये बहुत ही प्यारा गाना है और मुझे बहुत लग रहा है गाना गा के, और उम्मीद करता हूँ कि सारे दर्शकों को पसंद आएगा। थोड़ा सा सुर में अगर सुना देंगे बहुत अच्छा रहेगा। जी ये गाना कुछ ऐसा है, ऐ जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे मैं प्यार करूं, ऐ जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे मैं प्यार करूं। आप आज एक अजीब से नए जमाने का सब्जेक्ट है गेस के ऊपर, के ऊपर गीत गाने जा रहे हैं उस फिल्म के लिए, क्या सोच है आपकी, क्या फीलिंग है? जी मैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं फिल्म की पूरी टीम के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिस अच्छे मोटिव के साथ ये फिल्म बनाई जा रही है वो फिल्म सारे दर्शकों को पसंद आए, और गाना बहुत प्यारा गाना है और मैंने बहुत दिल गाया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये गाना पसंद है और फिल्म बहुत पसंद आएगी। अभी साल पहले नायर ने एक फिल्म बनाई थी लेस्बियंस के ऊपर, आज ये गेस के ऊपर ये फिल्म, व्हाट डू यू थिंक ये फिल्म का फिर क्या उसकी धमाकेदार हो सकेगा? कि पिछले कई सालों में का माइंडसेट काफ़ी इवॉल्व हुआ है, और लोगों का जो अप्रोच हुआ है इन सब सेंसिटिव टॉपिक्स के के ऊपर वो अप्रोच काफ़ी चेंज हुआ है, तो पब्लिक का माइंडसेट इवॉल्व हुआ है, तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस इस दौर में एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी काइंड ऑफ सब्जेक्ट के लिए, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छी फिल्म बनाएगी हमारी टीम और आप दर्शकों को ये पसंद आएगी। आपको एक के बाद एक नया भी मिल रही है मर्डर के बाद, यार 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 यार, 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 तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे बड़ा क्रेडिट तो ऊपर वाले को ही जाएगा, अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत गा लेता हूँ तो अच्छे गाने मिल रहे हैं गाने के लिए, सो आई एम थैंकफुल गॉड माय पेरेंट्स, एंड मैं जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिथुन का जिन्होंने मुझे मर्डर 2 में दिल समझ जा और फिर अभी यारिया में गवाया, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप सबको मेरे गाने जो रिलीज होने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं इस साल आपको पसंद आएंगे। जी बहुत खुशी की बात है, अभी कुछ दिन पहले हमने यारियां की सक्सेस पार्टी अटेंड की, और वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंटायर टीम ऑफ यारियां के फिल्म सच अ बिग हिट, और गाने तो पहले से ही हिट थे तो गाने सुपर हिट हो गए हैं, सो थैंक यू ऑल द ऑडियंसेस फॉर लाइकिंग द सॉन्ग्स एंड लाइकिंग द मूवी यारियां सो मच, थैंक यू। बस बाबा हम आप
होगा सब क्यों देखूंगा बाजू बाबा क्या जी मत कर